नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना का रौप्य महोत्सव के एम अस्पताल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस यूनियन की स्थापना प्रिंसिपल वामनराव जी महादेव की अध्यक्षता में सन 1992 में हुई थी। देखते ही देखते इस यूनियन का विकास वट वृक्ष की भांति हुआ। कामगारों व कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने हेतु इस यूनियन की स्थापना की गई थी। हर विभाग से कर्मचारी इस यूनियन में आकर शामिल हुए। इस रौप्य महोत्सव में उपस्थित अध्यक्ष बाबा कदम, महासचिव सत्यवान जावकर, सचिव रचना अग्रवाल, रंजना निवालकर, प्रकाश वाघरे, हेमंत कदम, संजय वाघ, संतोष जगताप, विकास आरंदेकर, विश्राम तेली जैसे गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। अभी जो मैं बोला कि अपने जो कामगार है, कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग की योजना है। अभी गवर्नमेंट दे रही है, सरकारी कर्मचारी को मिल रहे हैं, तो हमारे म्युनिसिपल कर्मचारी अभी ऐसे सोच रहे हैं कि हमें कभी मिलेंगे। तो जो सातवां वेतन आयोग हम लोगों ने दिया है, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मध्यस्थी करके सारा वेतन आयोग मिला। वो सारा वेतन आयोग में भी कुछ छूटी है, कुछ कामगार को मिला नहीं है, कामगार को मिला है, कोई इसको नहीं मिला है, तो वो सब बराबर करके वो आयुक्त महाशय को मिल के सातवां वेतन आयोग के लिए हम लोग प्रयत्नशील है और सातवां वेतन आयोग निश्चित रूप से हम लोग दे रहे हैं। मुर्तमेड खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर या केम रुग्णालयातून झाली, कारण मोठा आप्पा म्हणजे प्रिन्सिपल वामनराव माडी हे केमच्या समोरच राहत असल्यामुळे ज्या वेळेला शिवसेना प्रमुखांनी म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेची धुरा वामनराव माडिकांवर केली, जी दंगल त्यावेळेला झाली आणि त्यावेळेला शरदरावांनी हिंदू मुस्लिम मारला जातो असं वक्तव्य केल्यामुळे शिवसेना प्रमुखांनी याच्या अगोदर जर तुम्ही पाहिलं तर शिवसेना प्रमुख हे दुसऱ्या युनियनला मदत करत होते या मुंबई महानगरपालिकेत, पण ज्यावेळेला शरदरावांनी वक्तव्य केल्यानंतर शिवसेना प्रमुखांनी या ठिकाणी युनियन म्युन्सिपल कामगारांची युनियन स्थापन करण्यासाठी आप्पांना वामनराव माडिकांना बोलवलं आणि त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांनी ही युनियन आप्पांच्या याच्यावर धुरा दिली। त्यावेळेला आप्पांजवळ अनेक युनियन होते, मग BST असेल, फायर ब्रिगेड असेल, शिक्षकांची युनियन होती, पण एक अत्यंत चांगल्या प्रमाणात या वामनराव माडिकांनी या कॅम्पपासून जी सुरुवात केली त्यावेळेला फॉर्म कॅम्पमध्ये येऊन एवढंच नव्हे तर काही कामगार आप्पांच्या घरी येऊन देखील आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी फॉर्म भरून घेत होतो आणि ते मुर्तमट केल्यानंतर आज या संपूर्ण मुंबई महानगरपालिका ही म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेना आज भोकावून गेली आहे। मुंबई महानगरपालिका में अभी 800 लड़कियां नए रिक्रूटमेंट हुई है जो नर्सेस है, अभी उनका प्रोसीडिंग चालू है। मेन अगर आप देखते हैं मुंबई में आने वाला जो पब्लिक का क्राउड है, जो मरीज होते हैं ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे मरीज आते हैं और यहाँ पे सेवाएं उत्तम मिलती है, करके वो लोग मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल आते हैं। क्योंकि दिक्कत है मैन पावर नहीं रहेगा, जो मैनुअल वर्क है वो इंसान के बगैर हम लोग कर नहीं पाते, तो इसमें जब रिक्रूटमेंट ये इशू आता है मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में, ये लेबर से लेके नर्सेस से लेके डॉक्टर्स भी से लेके टेक्नीशियंस, ये सब केयर में बहुत सारी वैकेंसीज है, वो अगर भरेंगे तो आने वाले रुग्ण जो है उनको अच्छी सुविधा मिल सकती है। एम सी एम की दोनों की जो वर्किंग सिस्टम है पैनल है अलग अलग है, स्टेट गवर्नमेंट नर्सेस जो है उनके प्रोफेशंस अलग है और मुंबई महानगर के यूनियंस अलग है। अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की नर्सेस से ज़्यादा मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में वर्कलोड है। गवर्नमेंट के अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं लिमिटेड होते हैं, बेड अगर है अवेलेबल तो ही पेशेंट को एडमिशन दिया जाता है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो फ्लोर पे भी लिए जाते हैं, कभी डेस्क पे भी लिए जाते हैं, कभी कभी एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीजों को भी एडमिट किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप बात देखेंगे तो मुंबई महानगर पालिका का जो वर्कलोड है, पेशेंट का रेशियो है वो ज़्यादा है,
उसके हिसाब से परिचारिका या नर्सेस की संख्या बहुत कम है, वो बढ़ानी चाहिए। अभी जो ऑल ओवर मुंबई 5000 नर्सेस है, कम से कम मुंबई महानगर पालिका के जो अस्पताल है, इंटरनल जो डिपार्टमेंट चालू किए जाते हैं, जो नए नए अस्पताल यहाँ पे खुल रहे, एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्पिटल्स जो हो रहे, उसके लिए नर्सेस, वार्ड बॉयज और डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस की जो ये है पोस्ट है, वैकेंसीज है, वो क्रिएट करके उनको भरना चाहिए। सरकार आमचा आजचा अनन्य सोहळा ब्रह्मचर्यांची स्थापना झाली, त्यावेळी साधारणतः आमच्याकडे 60 ते 70 आसपास सभासद संख्या होती। ज्यावेळी संघटनेला मान्यता नव्हती तेव्हा आम्ही कार्यकर्ते काम करत होतो। 93 साली खऱ्या अर्थानं संघटनेला मान्यता मिळाली, त्यावेळी आमच्याकडे असे सभासद कार्यकर्ते नव्हते, ऑफिशियली कार्यकर्ते आमच्या कॅम्पमध्ये होते, त्यामुळे मान्यता मिळाली आणि त्यानंतर आम्ही कार्य चालू केलं। त्यानंतर मग झाडूचिंग अन्न असेल, कामगारांचे अन्याय, इतर प्रकारचे अन्याय असतील, ते आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न 25 वर्षांमध्ये केला। आणि त्याचा लेखाजोगा जो आम्हाला 25 वर्षांनी कामगारांच्याकडे मिळायचा होता, आम्हाला 25 वर्षांमध्ये ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी कामं केली, ज्या त्या सेवानंतर झाल्या, तर त्यांचा बनता 25 वर्षांचा ठेवला होता। 25 वर्षांमध्ये जी उन्हाची प्रगती झाली, ती उन्हा जी वाढत गेली, त्यांनी त्यांच्या उपसाने संपन्न केला, सुरुवात केली। काम 25 वर्षांमध्ये तिथे साक्षीदार जे कर्मचारी होते, जे जेवण झाले, त्यांचा आम्हाला सत्कार करायचा होता। आजचा आम्हाला आनंद सोहळा, एकंदरीत किती संख्यामध्ये लोकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार केला गेला आणि त्यांना काय कशा प्रकारच्या पुढच्या निर्माण करण्यासाठी कामं करायला? आम्ही आजच्या कार्यक्रमामध्ये 3 पुरस्कार झाले होते। 50 पुरस्कार आम्ही असे कर्मचाऱ्यांना दिले होते की ज्यांनी आपल्या 25 वर्षाच्या सेवेमध्ये उत्कृष्ट काम केलेलं आहे। आमच्या सभासद असो किंवा नसो, आम्ही आजचा प्रयत्न केलेला नाही, ज्यांनी आपले 8 तास कामही करतात परंतु समाज सेवाही करतात, जे बाहेर रुग्णांचं त्यांना मदत करतात, अशा कर्मचाऱ्यांचा 50 कर्मचाऱ्यांचा महासाहेब ठाकरे।